हेलो फ्रेंड्स, मुमताज बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम साड़ी से सुंदर सा गाउन बनाएंगे। ये साड़ी है जिसका हम गाउन बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 4 मीटर अस्तर लिया है। हम इसमें अस्तर लगाएंगे। इसको हम देखिए, इस गाउन का मेजरमेंट क्या, हमें ये टोटल लेंथ हमें 50 इंच चाहिए। टोटल लेंथ 50 इंच है हमारा। फिर हम उसमें हम बॉडी का लेंथ निकालेंगे, फिर नीचे घेर का लेंथ निकालेंगे। तो ये देखिए, टोटल लेंथ तो हमको बन के 50 इंच चाहिए, लेकिन उसमें हमारा बॉडी कितना है, 15 इंच। 15 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 16 इंच का हम बॉडी लेंगे। चेस्ट हमारा है 36 इंच, कमर है 34 इंच। स्लीव लगाएंगे, छोटी स्लीव लगाएंगे 3 इंच का। तो ये देखिए, ये हमारा मतलब मेजरमेंट का ये, अभी देखिए ये टोटल मेजरमेंट हमारा जो फुल लेंथ है गाउन का वो 50 है। उसमें हम ये 16 इंच जो माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमें बॉडी लगाना है। तो 16 इंच का ये बॉडी हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना बचा, 34 इंच। 34 इंच का हमारा जो घेर होगा, नीचे का घेर होगा हमारा गाउन का। फ्रेंड्स, हमारा बॉडी 15 इंच का था, 1 इंच हमने प्लस किया था तो हम 16 इंच आया। तो 16 इंच का हमने ये कपड़ा निकाल लिया है अस्तर में से। ये 16 इंच का, ये हमने दो निकाला है। ये 16 16 इंच का हमने ये दो भाग निकाले, एक आगे का एक पीछे का। अभी देखिए इसको हम कैसे, ये पीछे में हम जिप लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम ये 1.5 इंच की ऐसे लाइन लगा देंगे। ये 1.5 इंच की ये लाइन हो गई, इसमें हम ऐसे फोल्ड करके जिप लगाएंगे। तभी देखिए ये आगे का पार्ट को, और ये देखिए बंद साइड, ये देखिए ये बंद साइड हमारा आगे के साइड रहेगा, इस साइड रहेगा। इधर हमारा चारों साइड ये देखिए खुला है, तो इस साइड को हमारा कटिंग जाएगा। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके ये ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तीरा का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 14 इंच रहेगा तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हमारा 15 हुआ। 15 का हाफ हो गया 7.5। तो 7.5 पे हम ये निशान लगाएंगे। ये मुड्डा भी हम ये 7.5 ले लेंगे, ऐसे 7.5 पे निशान लगा देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, नेक लेंगे। नेक हमारा बोट नेक है, तो बोट नेक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए हम 4 इंच ये, और आप ये 4 साढ़े 3 4 ऐसे 4.5 आप ले सकते हैं। आपको डीप चाहिए तो आप 4.5 ले लीजिए। अब ऐसे हम ये ऐसे निशान लगाएंगे। अब बोट नेक के लिए हम इस तरीके से इसे गुलाई देते हुए लगा देंगे। अब यहां से हमारा 1/2 इंच का ये शोल्डर, शोल्डर डाउन का हम निशान लगाएंगे। ये होने के बाद अब हम आएंगे चेस्ट। हमारा चेस्ट कितना है, 36। 36 का हाफ कितना हुआ, 18। 18 का हाफ हो गया 9। तो ये देखिए हम ये 9 इंच पे, अगर आपको इजीली समझना है तो आप ये देखिए, ये 36 है, ये 36 का ऐसे हो गया 18, और 18 का ये हो गया 9। तो ये हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। कमर हमारा है 34 इंच, तो 34 का आधा हो गया कितना, 17। 17 का ये देखिए 17 का आधा हो गया 8.5। तो 8.5 यहां से हम ये 8.5 पे लगा देंगे निशान। और इसको ये हमारा सिलाई का हो गया। अब इसमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रख के हम इसको ऐसे निशान लगा देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम ये ऐसे 1/4 इंच का ऐसे लेके गुलाई लगा देंगे। ऐसे ये गुलाई हो गई। अब हम ये देखिए, ये हमारा ये हम पीछे का हो गया, और ये ऐसे थोड़ा सा डाउन करके
ये देखिए हमारा ये टोटल हमने कटिंग कर लिया है। हमने ये देखिए पीछे का पार्ट को कटिंग किया है। अब हम आगे की इसमें शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। ये हमारा पीछे का हो गया, ये आगे का है, तो इसको अब हम अलग करके, और ये देखिए ये हमारा आगे का हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये बॉडी तैयार हो गया, और इसमें तो जिप लगाना है, तो इसको हम यहाँ बीच से कट कर देंगे, ये गले के साइड यहाँ से कट कर देंगे, इसमें हम ऐसे करके जिप लगाएंगे। ये देखिए हमने ये इतना सा कपड़ा निकाल लिया है बॉडी के लिए, ये पल्लू था, तो पल्लू हम ऐसे इसको कटिंग करके छांट देंगे, ऐसे हटा देंगे। अब इसमें ये देखिए ये फ्लावर है, तो यहाँ पे हम आगे का थोड़े देर के बाद लाइनिंग कैसे रखेंगे, ऐसे रख के ये देखिए यहाँ से ये लाइनिंग यहाँ रखेंगे, और रख के इसको हम कच्चा कर लेंगे, इसको कच्चा करके और कटिंग कर देंगे। इसको देखिए हम ऐसे इसको एक करके फिर हम इसको कच्चा करके कटिंग कर लेंगे। फिर ये जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ, इसमें हम ये पीछे का भाग ऐसे रख के इसको भी हम कच्चा करके कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी जो कपड़ा बचा था उसको हमने चार फोल्ड कर लिया है। ये देखिए पहले ये दो फोल्ड और फिर उसको और दो फोल्ड, तो ये हो गया है हमारा ये चार फोल्ड। ये देखिए एक दो ये तीन ये चार, ये खुले का साइड है, इधर हमारा ये देखिए ये बंद साइड है। तो अब हम इसको अम्ब्रेला बनाएंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे चार फोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें से अम्ब्रेला स्कर्ट जैसा हम इसको कटिंग करेंगे। तो अम्ब्रेला काट रहे हैं, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा कमर कितना था 34, तो 34 का आधा हो गया 17, तो 17 का भी आधा हम करेंगे। ये देखिए 17 का आधा किया तो 8.5 हो गया। अब 8.5 में हम कम से कम 1 इंच इसमें हम सिलाई के लिए 1 इंच आप रख सकते हैं, आधा इंच रख सकते हैं सिलाई के लिए आपको चाहिए, तो ये लेके हो गया आपका टोटल 9 इंच। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि हमारा 9 इंच ये कहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये कितने पे आ रहा है, देखिए 6 इंच पे। तो ये 6 इंच पे हम ऐसे यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे ये देखिए ये 6 इंच का ये हमारा हो गया। ये हमने 6 इंच पे लगा लिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारा ये जो बंद साइड है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, बंद साइड हमारा बीच में आएगा। तो ये देखिए अब देखिए ये हमारा गोलाई बन गया ऐसे, अब गोलाई बन गया, तो ये देखिए ऐसे करके आप देख सकते हैं ये 9 इंच आ गया। तो 9 और ये इसको खोलेंगे तो और 9 आएगा, तो 18 इंच का ये हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारा लेंथ चाहिए कितना है, हमारा टोटल लेंथ हमारा 50 था, तो 50 में से हमने 16 माइनस कर दिया, तो हमारा ये बचा 34। तो 34। अब ये देखिए ये तो हमारा कमर का हो गया, अब तो हमारा मतलब 34 तो मतलब पूरा रेडी चाहिए, तो 34 में हम 2 इंच या 3 इंच हमें एक्स्ट्रा तो लेना पड़ेगा ना नीचे फोल्ड करने के लिए, तो वो हम लेंगे। तो 34 और एक 35, 36, 37, तो जितने हम देखते हैं कितना कपड़ा होता है हमारा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो निशान है यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा लेंथ पूरा हो रहा है कि नहीं। हमें कितना चाहिए था 34, तो ये हो गया हमारा 34, और इतना हमारा हो रहा है एक्स्ट्रा 1, 2, 3, तो वो हम फोल्ड कर देंगे। वहां से हम इंची टेप रख के और यहाँ तक हम नाप लेंगे, तो ये हमारा कितना आया 44.5। अभी देखिए हम इंची टेप को ऐसे धीरे धीरे घसकाते हुए ऐसे इसको खिसकाते हुए हम उतने पे ही ऐसे निशान लगाते हुए चले जाएंगे।
ये हमारा एकदम करेक्ट कपड़ा आ गया, कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं लगेगा। चलिए अभी हम इसका कटिंग करते हैं। ये कट हो गया, यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे कटिंग हम। ये देखिए ये कटिंग हो गया हमारा। अभी ये टोटल दिखा दो, ऐसे हाँ खर। ये देखिए हमारा कितना सुंदर ये घेर कट के हो गया। ये देखिए हमने अस्तर ले लिया है, इसको हमने पहले दो फोल्ड किया है ऐसे, अभी इसको फिर ऐसे फोल्ड करेंगे तिरछा। ऐसे फोल्ड होने के बाद हम यहाँ कोने से, ये भी हमें 18 या 19 इंच चाहिए। तो ये देखिए हम पहले ऐसे करके देख लेंगे, तो ये हमारा 9.5 आ रहा है, तो ये हमारा एकदम सही है। तो ये देखिए हम 12 इंच पे, ये 12, ये 12 और यहाँ ये 12, ऐसे निशान लगा देंगे। हमारा जो घेर का लेंथ था वो 34 इंच था, तो उससे हम 2 इंच या 1.5 इंच या 1 इंच हम अस्तर कम रखेंगे। तो अभी ये देखिए हम यहाँ से, ये देखिए हम ये यहाँ से देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये हमारा 34 यहाँ आ रहा है, तो हम ये 35 का ले लेते हैं क्योंकि इसमें से फोल्ड भी। हमारा घेर का लेंथ 34 हो रहा था तो हम अस्तर भी 34 से लेंगे क्योंकि फोल्ड करके हमारा 1 इंच कम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 34 आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इंच टेप को सीधा यहाँ से रख के और यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, 46। अब हम ऐसे ही करके ये देखिए 46 पे ऐसे निशान लगाते चले जाएंगे 46 पे। ये देखिए हमारा गोलाई का निशान लग के तैयार हो गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए कट के हो गया, लेकिन ये हमारा छोटा पार्ट है क्योंकि अस्तर की लेंथ कम होती है तो इसलिए इसमें ज्वाइंट आता है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम ये देखिए यहाँ पे ये 1/2 इंच चढ़ा के रखेंगे सिलाई के लिए। और अब हम इसको ये देखिए इसको यहाँ से हम ऐसे हाथ से देख लेंगे कि हमारा ये देखिए इस तरीके से हम देखते हुए इसके निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए एकदम हमारा ये परफेक्ट ज्वाइंट कट गया। ये देखिए हमने इसको ये 1/2 इंच ऊपर रखा है लेकिन ये कपड़ा हमारा ज्वाइंट है तो इसको हम इसको काट देंगे। ये देखिए ये हमारा ये ज्वाइंट का आ गया, यहां से हम ऐसे रख के इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा 2 पार्ट घेर है, 2 पार्ट हमारा ज्वाइंट है। अब ये हमारा पूरा ये देखिए अभी ये अस्तर पे हम इस तरीके से ऐसे रख के इसको सिलाई लगा देंगे, फिर ये हमारा अस्तर लग के तैयार हो जाए। ये देखिए हमने ये अस्तर लगा के चारों तरफ से
कच्चा कर लिया है दोनों पार्ट का, आगे का पीछे का। अब हमें पीछे वाले में जिप लगाना। अब देखिए ये पीछे का पार्ट है, इसमें हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जिप लगाने के लिए, उसमें से हमने ये 1/2 इंच दोनों में से फोल्ड कर दिया है। अब हमारा कितना बचेगा, 1 इंच। तो 1-1 इंच का हम ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे दोनों में हम 1-1 इंच का। ये देखिए हमने अभी एक के ऊपर एक रख दिया इसको। अब रख के हम ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ये 1.5 इंच पे यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे यहाँ से। ये देखिए हाँ, ये हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ से, ये 1.5 इंच। तो ये देखिए इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से ऐसे पट्टी तैयार हो गई। अब ये देखिए ऐसे ऐसे तैयार हो गई है। अब हम इसमें जिप लगाना स्टार्ट करें। ये देखिए हमने ये न्यूज़पेपर पे ये कपड़ा को फोल्ड किया है। ये मतलब जिप मशीन में फंसता है, इसके लिए न्यूज़पेपर पे हम ऐसे रख के, और ये सीधा साइड है जिप का, इसको हम ऐसे खोलते हुए जाएंगे और इसको ऐसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट को हम फोल्ड करेंगे और इसके एकदम पास में से जुड़ते हुए चिपकाते हुए इसके एकदम बिल्कुल इसके पास में सिलाई लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम ये मशीन को उठा के इसको जिप को ऐसे बंद कर देंगे, हम ऊपर खींच लेंगे फिर ये ऐसे करके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे ऊपर इसके ऊपर ऐसे लेके और इस पर ऐसे ये देखिए 1/2 इंच से थोड़ा ज्यादा पे हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसको ऐसे करके सीधा करके इसको, और ये देखिए ये हमारा जो निशान है फोल्ड का उसको लेते हुए, और ये जो सिलाई लगी है उसके ऊपर तक ये कपड़ा आना चाहिए, वहां से फिर ऐसे सीधे हम सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। देखिए हमारा जिप लग के तैयार हो गया, कितने अच्छे से जिप एक बार में ही बैठ गया है जिप। अब इसको हम देखिए हमारा जिप लग के तैयार हो गया, कितने अच्छे से जिप लग गया है ये देखिए। और ये जो हमारा ये एक्स्ट्रा बचा है इसको हम काट के निकाल देंगे। ये देखिए अभी हम गले की पट्टी लगाने के लिए हम इसमें ये जो पतली वाली बुकरम आती है वो लेंगे हम। ये देखिए हमारा गला कितना था, 8 इंच था, 8 इंच चौड़ा था, तो हम ये 10, 11, 11.5 ऐसे ले लेंगे, और ये 4 था ये तो हम मतलब 4 से ज्यादा ले लेंगे, 5 या 6। इस पे एक उतनी ही चौड़ी की हम ये कपड़े की पट्टी कपड़े की ये रखेंगे, और इसके ऊपर ये देखिए नीचे ये बुकरम है, ऊपर से कपड़ा है, फिर ये हमारा जो आगे का पार्ट है वो है। ऐसे करके हम इसको पिन कर लेंगे, ऐसे 2-3 जगह हम पिन करके, और यहां से सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारा ये सिलाई लग के हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ये गले के शेप से ही जैसे है वैसे हम इसको कट करके निकाल देंगे। अभी फिर हम इसको ऐसे देखिए उल्टा साइड करके पहले हम ये बुकरम को काटेंगे 1 इंच के चौड़ाई में, 1 इंच की ऐसे हमारी पट्टी होनी चाहिए। ये देखिए ये 1 इंच की हो गई। अब इसको हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के काटेंगे बुकरम से, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। देखिए ये होने के बाद अब हम इसको इस बुकरम से ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगाएं, ऐसे करते हुए इसमें सिलाई लगाएं। ये देखिए अभी हो गया सिल के, अभी इसको हम इस साइड से इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा गला ये
पट्टी लग के बन के तैयार हो गया है। इसकी पट्टी देखिए हमने इसे लगा के पीछे के साइड को फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम हेमिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये पीछे भी हमने ऐसे गले की पट्टी लगा ली है। इसको ऐसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमारा जिप हो गया। अब हम इसमें इसके शोल्डर के ऐसे सिलाई ज्वाइन लगाना हम बताते हैं। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से, और ये देखिए अब यहाँ पे ये पट्टी को हम ऐसे ही सीधी रखेंगे और ये पट्टी है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके अब हम इसको ऐसे करके और इसको ऊपर से ऐसे तुरपाई करेंगे तो ये चीज हमारा अच्छे से पैक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का भी हम ये ये आगे की पट्टी फोल्ड कर देंगे और इस पट्टी को हम एक से खुली रखेंगे और इसको हम सिलाई लगा देंगे। देखिए अभी हम स्लीव इसका, ये जो थोड़ा सा हमारा कपड़ा बच गया है इसका हम छोटी सी स्लीव लगाएंगे। स्लीव हमारा कितना चाहिए, 3 इंच का हमारा स्लीव है। तो ये देखिए हम पहले सीधी ऐसे सीधी निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें हमारा 3 इंच है तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, हमें 5 इंच का, 5 इंच का ऐसे ये लाइन ले लेते। ये हमारा स्लीव का चौड़ाई हो गया। अब ये देखिए हमने कितना कपड़ा लिया है, 10 इंच लिया है। अभी हम इधर से ये 3 इंच लगा के और इस तरीके से हम स्लीव की हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा बाजू हो गया। अभी हम इसके बीच में ऐसे बीच में थोड़ा सा कट लगा देंगे निशान के लिए। अब इसको हम ऐसे खोल देंगे और खोलने के बाद हम इसके आगे की कटिंग यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके ये हमारा आगे का हो गया। अब ये देखिए ये हमारा सीधा साइड, ये दो हमारा दो स्लीव हो गया। अब इसको फोल्ड करेंगे सिलाई लगा। ये देखिए हमारा ये शोल्डर ज्वाइन करके हो गया। अब हम इसमें बाहीं ज्वाइन करना बताएंगे आपको। ये देखिए हमने बाहीं को ऐसे फोल्ड कर लिया है, बाजू को, ये दोनों बाजू को हमने फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा आगे का कटिंग है, ये आगे का कटिंग है और ये हमारा आगे का पार्ट है। तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये आगे का पार्ट है तो आगे और आगे को एक साथ होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे करेंगे और खोल के ये जो कटिंग है बीच का, ये सेंटर बीच का है हमारा, ये यहां से ऐसे और ऐसे, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगा। देखिए हमारा ये बाजू लग के तैयार हो गया, ये बॉडी हमारा फुल तैयार है। अब हम इसमें घेर ज्वाइन करेंगे। घेर ज्वाइन करने के लिए ये देखिए हम इसको ऐसे बीच में हम कट लगा देंगे। ये बीच का हमारा निशान हो गया, यहाँ पे ये बीच का हो गया। अभी हम ये देखिए हमने इस घेर में भी हमने ये देखिए अस्तर लगा के, ये देखिए अस्तर लगा के हमने अस्तर को ज्वाइन कर दिया है घेर में इधर, और इसको भी नीचे से अस्तर को भी सिलाई लगा दिया है। अब हम इसको इसका भी ऐसे करके हम ये सेंटर में कट लगा देंगे। अब ये होने के बाद अभी देखिए अभी ये सेंटर और ये सेंटर, ये सीधा और इसको ऐसे उल्टा करके हम यहाँ पे करके ऐसे इसको आराम से देखिए आराम से ऐसे मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई इसको सिलाई लगा देंगे। ये
देखिए हमारा ये सब कुछ रेडी हो गया है। ये हमने ये नीचे का घेर भी ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए ये पूरा हमने ज्वाइन कर दिया है। अब ये पूरा अब रेडी है। अब हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, फिटिंग की सिलाई लगानी है हमको। अभी सिलाई की कैसे लगाएंगे देखिए, हम पहले नाप लेंगे हमारा कितना 36 था चेस्ट, तो ये हमारा 18 इंच ये चेस्ट है, 18 इंच पे चेस्ट का लगा दिया। और ये 17 इंच कमर का, 34 था हमारा कमर तो 17 हमने ये कमर का लगा दिया। और स्लीव का हमने कितना लगाया है, 7 इंच। ये देखिए ऐसे बराबर करके यहाँ से हमने ये 7 इंच लगाई है। अब हम इसकी ऐसे बराबर पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे बराबर करते हुए ऐसे यहाँ तक और नीचे पूरे घेर तक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने ये पूरी फिटिंग की सिलाई हम ये नीचे तक हम ये सिलाई लगा दिए हैं। ये सिलाई हमने दोनों साइड लगाया है। ये दोनों साइड सिलाई लग के होने के बाद इसको हम सीधा करने पूरे घेर पे हम ये हाफ इंच की पट्टी फोल्ड करके इसको पूरे राउंड में हमने पट्टी फोल्ड कर दी है नीचे की तरफ। ये देखिए हमारा गाउन बनके तैयार हो गया है। ये आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को